हाय गाइस, वेलकम टू जेके मीडिया लाइव। तो मेरे साथ विशाल है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी गोल्ड मेडल क्लिंच करके लाया है फेंसिंग में और एक नेक्स्ट लेवल गेम कर चुका है। विशाल, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया का फेंसिंग लेवल आपने नेक्स्ट लेवल लेके जा चुके हैं, गोल्ड मेडल क्लिंच करके ले आए हैं आप। कितना मुश्किल रहा ये सारा सफर? बहुत मुश्किल था। और प्रैक्टिस कितने दिन पहले स्टार्ट कर दी थी? 2 महीने पहले। प्रैक्टिस तो काफी सालों से चल रही है बट 2 महीने पहले हमने इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। और जो फाइनल तुम्हारा जो टेक हुआ, कंपटीशन हुआ फाइनल, कौन सी कंट्री के साथ कम्पीट करा? हम इंग्लैंड के साथ खेले थे। इंग्लैंड के साथ। और कितना डिफिकल्ट रहा? बहुत डिफिकल्ट था, क्लोज मैच था, 43-45 जीते हम, क्लोज मैच था। अच्छा, कोचेज वगैरह का कितना रोल रहता है यार ये सब चीजों में? कोचेज का मेन रोल रहता है, उनका सिखाना, उनको उन्होंने गाइड करना, हमको बहुत मेन रोल रहता है उनका। और फेंसिंग में इंटरेस्ट कब से आया? बचपन से ही था मारपीट में? नहीं नहीं, मारपीट में बचपन से तो नहीं था, मैं 2007 से कर रहा हूँ फेंसिंग। तो वेकेशंस में स्टेडियम वगैरह जाते थे तो हमारे वो रशीद अहमद चौधरी हमारे गुरु हैं मेरे, वो तो उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को फेंसिंग में डाला, तो आज यहीं पर हूँ। तो जब घर वालों को बताया कि मैंने फेंसिंग में जाना, तो उनका क्या रिएक्शन था शुरू शुरू में? कुछ नहीं, उनका ये था कि हाँ स्पोर्ट्स कर रहा है, अच्छा है, वेकेशंस पर जाना ये वो, उनके तो अच्छा रिएक्शन। तो पढ़ाई वगैरह भी करी? हाँ, पढ़ाई तो करी। कितना मुश्किल रहता था, मतलब पैरेलली चला? मैनेज करना मुश्किल होता था, फिर ट्यूशन, स्कूल, फिर गेम, मुश्किल होता था बट हो जाता था मैनेज। आपके भाई ये खुद बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर है, तो उनका कितना सपोर्ट रहा? उनका भी कुछ पुश बैक रहा कि भाई हाँ कर कर कर, मतलब उनका सपोर्ट कितना जरूरी था? वो तो बैकबोन थे मेरी, हमेशा सपोर्ट रहा कि हाँ तू कर, तू अच्छा कर रहा है ये वो। कभी हम नेवी ट्रायल्स में सेलेक्ट होते थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, उनका बहुत सपोर्ट रहा, तो आज वो भी खुश हैं, हम सब खुश हैं। कर दूं। अच्छा विशाल, 1976 के बाद इंडिया के लिए गोल्ड आया फेंसिंग में। फेंसिंग की अगर बात करें तो इंडियंस का, मतलब अपने जो प्लेयर्स हैं उनका इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है इस फील्ड में? मतलब इंटरेस्ट है बट हमारी वो टेक्निक्स वगैरह थोड़ा कम पड़ जाती है उनके लिए। बट 1976 जब फर्स्ट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली इंग्लैंड चैंपियन रहा, और 2018 में इंडिया टीम ने उनको बीट किया और वो नंबर वन पे आई है। अच्छा, बच्चों में अगर बात की जाए, जम्मू के बच्चों में यहाँ पे सिनेरियो क्या है फेंसिंग और उनमें कितनी अवेयरनेस है? पहले नहीं थे, अब काफ़ी आ गए क्योंकि क्लब्स वगैरह खुल गए हैं एक दो, तो इसकी वजह से काफ़ी अलर्ट हो गए हैं बच्चे और उनको भी अच्छा लगता है। अब मीडिया के थ्रू पॉपुलर हो रही है, पता लग रहा है फेंसिंग क्या है क्या नहीं, तो बच्चे भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इसकी। आप किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कैसे लेके जाएंगे स्टेट की फेंसिंग गेम को आगे? लेके जाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से अच्छे गेम्स में क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे, मेडल लाने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें कैसे ट्रेन करना चाहेंगे आप? मैं तो भी खुद प्लेयर हूँ, मैं कहाँ ट्रेन करूँगा, बट वो आए हमारे कोचेज हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो भी एक दिन अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहना, स्पोर्ट नहीं होती है हर एक, शुरू शुरू में क्या, हमेशा सबका ही स्पोर्ट्समैन का आप देखोगे कहीं भी, ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो उनको करना चाहिए ताकि हम और अच्छा खेल सकें और अच्छे परफॉर्म कर सकें। अच्छा विशाल, आपको लगता है कि स्कूल्स में आजकल जो को करिकुलर एक्टिविटीज, उन्हें ज़्यादा करना चाहिए, स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इंस्टेड की पढ़ाई पढ़ाई करके आप उन पर बोझ डाल रहे हैं? स्पोर्ट्स तो ज़रूरी है बच्चों को, मैं तो कहता हूँ स्कूल में हर एक पीरियड कम से कम 1 घंटे का स्पोर्ट्स का होना चाहिए, उससे बच्चा मेंटली फिजिकली फिट रहता है। और फिटनेस कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? फिटनेस हो तो आप फिट, मतलब फिटनेस करना ज़रूरी है, आप करोगे तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे और मेंटली भी सही रहेंगे, मेंटली भी सही रहेंगे और आपका फोकस भी रहेगा लाइफ में। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जम्मू वालों कुछ मैसेज देना चाहोगे? जम्मू वालों से क्या, पैशन को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है? जरूरी है, पैशन को फॉलो करोगे एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर लोगे। बस जम्मू को यही बोलूंगा कि अच्छे से और अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन ऊपर आए, परफॉर्म करें और वो हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे। Thank you.